अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप लोगों की दुआएं हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है। तो चलिए फिर आज हम बनाएंगे भुना गोश्त, जो बहुत इजी है और बहुत झटपट बन जाता है, बहुत कम मसालों में बनता है। तो चलिए फिर इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन बनेगा, आप लोग भी ज़रूर बनाना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बनाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने आधा किलो मटन लिया है, जिसकी मैंने छोटी छोटी सी पीस कर ली हूँ। आप दुकान में शॉप में बोलेंगे कि चना बोटी करके दे, तो इंशाल्लाह चना बोटी करके दे तो शॉप वाला भी आपको छोटी छोटी बोटी करके देगा। ये मैंने खुद इसकी छोटी छोटी सी पीस की हूँ, ठीक है। मैंने इसे साफ धो लिया है। देखिए, मैंने ये दो बड़े साइज़ के प्याज थे, जिसे मिक्सी में मैंने मोटा मोटा पीस लिया। इसका बारीक प्यूरी नहीं करना है, इसे मोटा मोटा काटना है। सेम इसी तरीके से हमने टमाटर को भी पीस लिया है। टमाटर को भी एकदम बारीक नहीं करना है, थोड़ा मोटा मोटा रखना है। फिर हम इसका मसाला रेडी करते हैं। मैंने गैस पे कुकर चढ़ा दिया है, कुकर गर्म हो चुका है हमारा। हम इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। थोड़ा ज़्यादा ऑयल डालना है इसमें, क्योंकि हमें मटन को अच्छे तरीके से भून के लेना है। चलिए, फिर तेल गर्म हो चुका है, हम इसमें हमारे प्याज को डालेंगे, जिसे हमने मोटा मोटा पीस लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए फिर इसे अच्छे तरीके से भून लेना है, इसकी एकदम रॉ स्मेल निकल जाए, कच्ची स्मेल इसकी। चलिए फिर हमारा प्याज अच्छे तरीके से भून चुका है। अभी हम इसमें 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे भून के लेंगे अच्छे तरीके से। तो देखिए, अदरक लहसुन भी अच्छे तरीके से भून चुका है और प्याज भी। अभी हम इसमें डालेंगे मटन, जिसे हमने धो के साफ करके रखा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके भूनेंगे कुछ देर। देखिए, इसे भी हमने थोड़ा भून लिया है। अभी हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर। ये टमाटर जो हमने पीस के रखा था, वो हम इसमें डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने 1/2 कप दही रखा था, उसको मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। अब इसमें 1/2 कप दही डालेंगे, इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और कुछ देर ढक्कन ढक के इसे पकने देंगे, बिना सीटी लगाए, सिर्फ ढक्कन कवर करके इसे थोड़ा देर पका लेंगे, 2 मिनट। फिर इसके बाद बाकी के मसाले डालेंगे। देखिए, इसे हमने हाई फ्लेम पे सिर्फ कवर करके रखा था, इसमें पानी अच्छे तरीके से छूट चुका है। अभी हम इसमें हमारे ड्राई मसाले डालेंगे। हम इसमें 2 टेबल स्पून मीट मसाला डालेंगे। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी, फ्लेम स्लो ही रखना है, फ्लेम फास्ट नहीं करना। 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, आप अपने जायके के हिसाब से डालिए। इसे मिक्स कर लेंगे। हमने रेड चिली पाउडर थोड़ा कम डाला है, क्योंकि हम इसमें हरी मिर्ची भी डालेंगे लास्ट में।
चलिए फिर हम इसे कवर कर देंगे और दो सीटी आने तक इंतजार करेंगे। देखिए इसमें दो सीटी हो चुकी है, हम इसे खोल के देखते हैं। देखिए माशाल्लाह, इसमें मैंने पानी नहीं डाला था, यूसी में हो चुका है, हमारा मटन गल चुका है। अभी हम इसे कढ़ाई में रखे डालेंगे और अच्छे तरीके से कढ़ाई में भूनेंगे। इसे भूनना बहुत है, इसे बस हम स्लो फ्लेम पे अच्छे से भूनेंगे। और हमारा गोश्त भी माशाल्लाह से गल चुका है। इसमें थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डालेंगे हल्की सी टेस्ट के लिए, और इसे खुशबू भी अच्छी आती है। इसमें हम ये चार मैंने हरी मिर्ची बीच में से कट कर ली है, वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसे स्लो फ्लेम पे ही भूनेंगे। इस पे हम कवर कर देंगे और इसे स्लो फ्लेम पे पकाएंगे, भूनेंगे इसको। जब इस जब जब इसका तेल ऊपर आएगा फिर हम इसे वापस से भूनेंगे। तो इसे स्लो फ्लेम पे थोड़ा देर के लिए रख देंगे, कम से कम 5 मिनट। देखिए इसका तेल ऊपर आ चुका है माशाल्लाह, इसे अच्छे तरीके से भूनेंगे। देखिए कितना बेहतरीन दिख रहा है माशाल्लाह। इसमें अभी हम डालेंगे कोथमीर, कोथमीर डाल के भी इसे हम थोड़ा सा भुनेंगे। आप लोग ज़रूर बनाना, आपने देखा होगा मैंने इसमें कुछ मसाला नहीं डाला, बहुत कम मसाला डाला है। और इसको खाने के टाइम पे आप ऊपर से नींबू निचड़ लीजिए, तो वे क्या ही कहने हैं, इंशाल्लाह आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगा। ज़रूर बनाइएगा आप अपने घर में, सबको बहुत पसंद आएगा। हमारा भुना मटन बनके रेडी हो चुका है, मैं आपको इसे प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह से हमारा मटन भुना बनके रेडी है, जो बहुत बेहतरीन लग रहा है अल्लाह के हुक्म से, और इंशाल्लाह खाने में तो बहुत ही बेहतरीन बनेगा इंशाल्लाह। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा एक बार मेरी डिश, प्लीज़ आप ट्राई करें और इंशाल्लाह मेरे तरीके से बनाइए, इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन बनेगा अल्लाह ने चाहा तो। और प्लीज़ जिस जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और अच्छी अच्छी सी कमेंट्स करें। एक बार बकराईद में मेरी डिश ज़रूर ट्राई करना और दुआओं में याद रखिए। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।